हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर न्यू फ्रेश व्लॉग। राधे राधे सभी को। आज हम हैं वृंदावन में। वृंदावन में आज हम जाने वाले हैं बाकी बिहारी जी के पास में, उनके दर्शन करने वाले हैं। साथ में जाएंगे निधिवन और राधा वल्लभ जी। तो हमारे गोवर्धन के दर्शन बहुत अच्छे से हुए और गोवर्धन में हमने गोवर्धन पर्वत, गिरिराज जी, मुखारबिन और बरसाना और साथ में नंदगांव सब कवर कर लिए। वहाँ से वहाँ के दर्शन कर लिए। अभी हम आ गए हैं वृंदावन में और यहाँ पर कुछ इस टाइप से स्टे किया है। अभी बहुत ज़्यादा मैस्ड अप है क्योंकि ना मतलब तैयार वगैरह हुए हैं, इसलिए इसे यहाँ पर कपड़े भी देख लो। ये बैग वगैरह हैं, या मम्मी का मेकअप का आइटम है, दो मोबाइल तो हमने अंदर ही रख रखे हैं बैग में। तो अभी सारी चीज़ों को ना अच्छे से रख के आपको एक होटल का टूर भी दे देंगे। बट अभी तो हम जा रहे हैं बांके बिहारी टेम्पल, तो वहाँ पर चलते हैं और आपको दिखाते हैं। और मम्मी जी यहाँ पर लगाने वाली हैं हमें तिलक। तो यहाँ से हम जाते हुए पैदल पैदल जहाँ पर हमने स्टे किया है वहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है, तो हम पैदल पैदल जा रहे हैं निधिवन की ओर। सबसे पहले निधिवन के दर्शन करेंगे क्योंकि अभी बांके बिहारी जी का मंदिर खुलेगा 5 बजे, तो हमारे पास में अभी 1 घंटा है, तो हम आराम से दर्शन कर सकते हैं पहले निधिवन के। भाई मम्मी जी मुझसे पूछ रही हैं कि मम्मी जी कैसी लग रही हैं, बताओ कैसी लग रही हैं। अच्छी लग रही हैं आज मुझे डांट डांट के ना, क्या बता क्या पहनूँ मैं, कैसा पहनूँ, अच्छा लग भी रहा है कि नहीं बताते नहीं हैं सही से। मेरे को तो मम्मी के ऊपर बिल्कुल भी मेकअप अच्छा नहीं लगता, मम्मी नॉर्मली अच्छी लगती हैं। इनकी वजह से कुछ नहीं, खोपरे का तेल लगा के और वो बॉडी लोशन लगा के तैयार हो जाती हैं। हाँ ऐसे ही अच्छी लगती हैं। चलो कि निधिवन जी जा रहे हैं, चलते हैं निधिवन जी। फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। राधे 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 राधे। टाटा टूट श्रद्धालु आए, देखो कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे श्रद्धालुओं के बीच में। निधिवन जी के अंदर एंटर कर दिए हैं। आजा हो जा हो जा हो जा हो जा। श्री राधे 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 राधे। Yeah.
और यहाँ पे आप देखिए लोगों की समाधि भी बनी हुई है। यहाँ का नियम है कि रात में कोई भी नहीं रुक सकता है, क्योंकि कान्हा जी यहाँ पर रास रसाने आते हैं गोपियों के साथ में। तो यहाँ का नियम है कि रात के बाद में कोई भी नहीं रुकेगा, बट कोई कोई यहाँ पर जो रुकता है ना, तो उन्हें जब कान्हा जी के दर्शन हो जाते हैं तो वो अपना देह त्याग देते हैं, क्योंकि कान्हा जी के दर्शन करना तो आत्मा ना कान्हा जी के दर्शन करके एकदम से अपना देह त्याग देती है और वो फिर समाधि ले लेते हैं यहीं पर। तो यहीं की खास बात है कि रात में यहाँ पर नहीं रुका जाता है, आप यहाँ पर दिन में ही दर्शन कर सकते हैं। और जिन लोगों ने यहाँ पर रुका है उनकी यहाँ पर समाधि बनी हुई है, उन्होंने अपने देह त्याग दिए हैं। आनंद के आनंद भव जय कन्हैया लाल की। फाइनली निधिवन जी के हमने दर्शन कर लिए, बहुत अच्छे दर्शन हुए, बहुत ही आनंद, ऐसा आनंद आपको कहीं नहीं मिल सकता। इतना आनंद आया। कैसा लगा बेटा? आया। अच्छा आया, बहुत सुंदर लगा, बहुत सुंदर। अच्छा फिर तो निधिवन जी के दर्शन हो गए हैं, अब हम जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के दर्शन करने के लिए। फाइनली मजा आया, बहुत अच्छा लगा, सुकून मिला, सुकून। राधे राधे। अब हम जा रहे हैं राधा वल्लभ जी की ओर, राधा वल्लभ जी के दर्शन करने। चलिए चलते हैं। ये आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं को, श्रद्धालुओं की कितनी तादाद है, वहाँ परिक्रमा लग रहे हैं। अगर आप बांके बिहारी जी के दर्शन करें तो यहाँ जरूर दर्शन करें, आप दर्शन करिए राधा वल्लभ जी के, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें राधा वल्लभ जी। श्री राम। अच्छे दर्शन हो गए हमारे यहाँ पे, प्रसाद भी ले लिया। चलो कैसा लगा दर्शन करके? बहुत बढ़िया, मतलब प्रभु जी के दर्शन करके ऐसा लगता है कि स्वर्ग में कुछ भी हो, यहाँ से खींचा सब सब में ठीक लगता है। वैसे अगर कहीं और जगह लाइन लगे ना या फिर वो टाइम वो हो तो अपने को बहुत बुरा लगता है, बट यहाँ पे इतना प्यारा लगता है, इतना प्यारा लगता है लाइन में लगने में। चलो श्री राधे राधे।